दूसरे के सुख को छीनना चाहते हैं, दूसरे के सुख को देखने देख करके जो ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, दूसरे का सुख जिनसे सहन नहीं होता, वो सब पूतना की तरह है। और ये कृष्ण के लिए क्या लेकर आई थी? विष। बाकी सबके हाथों में माखन और ये विष लेके आई। जो दूसरों को विष देता है, जिस वस्तु का दान किया जाता है, वही वस्तु उसको कई गुना होकर के ठाकुर जी वापस देते हैं। तो ये भी बधाई लेके आई। बधाई में क्या लाई? विष। और चुपके से श्री कृष्ण को उठाती है और अपना स्नाग्र उनके मुख में देती है। काल कूट जिस पर लगा विष लगा था। तो श्री कृष्ण को मारना चाहती है, कृष्ण को मृत्यु का दान करना चाहती है। भगवान ने कहा जब कोई किसी के जन्मदिन पर विवाह शादी के उपलक्ष में जब आता है, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आता है, उपहार लेके आता है, तो उसको फिर रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है। जैसा जिसका गिफ्ट है उसके अनुसार उसको फिर रिटर्न गिफ्ट भी दिया जाता है। तो पूतना कौन सा गिफ्ट लेके आई थी ठाकुर जी के जन्मदिन पर? विष का गिफ्ट छिपा करके। क्यों गिफ्ट छिपा के लाते हैं? और जब दिया गिफ्ट, मौत का गिफ्ट लेके आई थी। विष का मतलब मौत। तो कन्हैया को गिफ्ट में क्या दिया? मौत। तो ठाकुर जी ने कहा लो जी रिटर्न गिफ्ट मौत। तो भगवान ने कहा मैंने पूतना को मारा नहीं, बल्कि पूतना ने मुझको जो दान किया था, विष मृत्यु का दान किया, वही मैंने उसको रिटर्न गिफ्ट उसको लुटा करके उपहार दिया। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय करना।